सो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नॉलेज इन जनरल। मेरा नाम है अमित कश्यप और आज के इस पर्टिकुलर क्विक एपिसोड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो यूट्यूब पे हम वीडियोस अपलोड करते हैं उसका करेक्ट तरीका क्या है उसको अपलोड करने का। वैसे तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो करेक्ट तरीका नहीं होगा। द थिंग इज, मैं कैसे अपलोड करता हूँ मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। एंड द थिंग इज कि वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगता है क्योंकि मैंने काफी इसको स्टडी करने के बाद ही जो अपलोडिंग सीखी थी। सो आपको मैं यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ। ये पीछे मैंने कंप्यूटर स्क्रीन ओपन कर दी है, अब आपको नजर आ रही होगी। सो दोस्तों, जब भी हमें वीडियो अपलोड करनी होती है, आपने अपनी वीडियो शूट कर ली, रेंडर कर ली, एडिटिंग कर ली, उसके बाद जब हम यहाँ पे पेज पे आते हैं वीडियो अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख रहे हैं आप, क्रिएट वीडियो और पोस्ट, अपलोड वीडियो। अपलोड वीडियो पे वो पाथ पूछेगा, जैसे कि आपको पता ही होगा, तो हम पाथ यहाँ पे जो है दे देंगे ये वाला इस तरह का। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल कर लेते हैं। सो जहां पे मैंने रखी हुई है वो फाइल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट। ये देखिए, जो मैंने फाइल है, मैं ऑलरेडी फाइल का नाम मैंने ना इसी में लिख देता हूँ, हाउ टू इंसर्ट थंबनेल एंड कीवर्ड्स इन यूट्यूब लाइव। तो ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। अब दोस्तों, ये वाली जो वीडियो है यहाँ पे अपलोड होनी शुरू हो जाती है। अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट काम शुरू हो जाता है। अब आप देखेंगे ये वाला विंडो चेंज हुआ, तो ऑटोमेटिकली डिटेल्स लिखी हुई आ रही हैं। ये प्रीसेट मैंने ऑलरेडी कर रखी है। अगर आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। मेरी जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करने लगता हूँ तो प्रीसेट जो है मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है उनमें, तो बस मुझे यहाँ पे मेंशन थोड़ा सा करना पड़ता है कि ये जो मेरी वीडियो है पर्टिकुलरली किस चीज के लिए है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अभी टाइटल जो है मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, अभी के लिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। वो क्यों मैं बताता हूँ अभी आपको। उसके बाद यहाँ मोनेटाइजेशन का जो ऑप्शन आता है मैं इसको ऑन कर देता हूँ, डन कर देता हूँ, और यहाँ पे नीचे भी जो है नेक्स्ट कर देते हैं, आफ्टर वीडियो पे क्लिक करके नेक्स्ट। अगर मोनेटाइज है आपका तो भी आप ऐसे कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। ये सेकंड चेक आता है मोनेटाइज का कि इसमें कोई गलत तो नहीं है, तो इसको भी नन ऑफ द अबव करके नेक्स्ट कर देते हैं। ये वाला पोर्शन अगर आपका मोनेटाइज नहीं है तो ये चीज आपको उसमें नहीं आ रही होगी। उसके बाद वीडियो एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये इसको भी अभी हम ये तब तक एंड स्क्रीन और एड्स जो कार्ड्स हैं एंड कार्ड्स, ये तभी आएंगे जब पूरी की पूरी वीडियो अपलोड हो जाती है। तो ये हम बाद में भी अपलोड कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कहां से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है दोस्तों, यहां पे आप देखिएगा प्राइवेट, अनलिस्टेड, पब्लिक और शेड्यूल्ड। ये जो चीजें हैं इसको जनरली लोग सारे पब्लिक करके जो है अपलोड कर देते हैं। उसका मीनिंग ये होता है कि आपने अपलोड की और इमीडिएटली आपकी जो वीडियो वो पब्लिक हो जाएगी। तो कई बार होता है कि आप लोड जो है बेटाइम कर रहे होते हैं, रात के 1 बजे अपलोड कर रहे हैं या एनी टाइम कभी भी अपलोड कर रहे हैं, उसी टाइम कभी भी ऐसा मत कीजिए कि अपलोड करते ही पब्लिश कर दीजिए। नो, अपलोड करके उसको या तो प्राइवेट रखिए या अनलिस्टेड रखिए। अनलिस्टेड रखेंगे तो उसमें ऑप्शन ज्यादा आ जाती है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो अभी के लिए अनलिस्टेड रख लेते हैं। अनलिस्टेड में ये होगा कि किसी के पास नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगी और ये वीडियो जो यूट्यूब की सर्च लिस्ट है उसमें भी नहीं आएगी, बस आपके पास पड़ी रहेगी। आप शेयर करोगे तो कोई देख पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं देख पाएगा उसको। तो अनलिस्टेड को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद एक विंडो शायद अब नहीं आएगी, दोनों विंडोज ओपन हो गई हैं। सो अब देखिएगा यहाँ पे नीचे मेंशन आ रहा है और वीडियो इज करंटली अनलिस्टेड, तो ये चीज यहाँ पे आ रही है। ये देखिएगा यहाँ पे वीडियो अपलोड यहाँ पे हो चुकी है। सो दोस्तों, अपलोड होने के बाद आप वीडियो में यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं तो डिटेल्स के अंदर एंटर कर लेते हैं। यहां पर मैं क्या करूंगा, इधर आप देखेंगे इस जगह पे, यहां पे मैं जो हूँ वीडियो का जो है ना टाइटल दे देता हूं। टाइटल जैसे मेरी इस वीडियो का टाइटल है, हाउ टू इंसर्ट थंबनेल्स एंड कीवर्ड्स इन यूट्यूब लाइव स्ट्रीम। सो दोस्तों, ये वाला जो मैंने यहाँ पे जो टाइटल लिया है, ये तो खैर मैंने अपना टाइटल डिसाइड कर लिया अपनी वीडियो का, लेकिन आप कोई भी वीडियो जब भी बनाने लगते हैं तो उसका टाइटल डिसाइड करने के लिए वो किस बारे में बनाई जा रही है, आप खुद एक बार जाके यूट्यूब पर सर्च कीजिए। जो भी टॉप ट्रेंडिंग वीडियो आ रही होगी उसका टाइटल आप कॉपी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां से करेंगे तो आपको वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। सो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं की ये डिमांड थी अगली वीडियो की, तो मैं इसमें ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसमें ये वाला चीज जो है सिंपल ऐसे लिख लूंगा, हाउ टू इंसर्ट थंबनेल्स एंड कीवर्ड्स इन यूट्यूब लाइव। अब आप इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, इसको मैं यहां से जो है कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, यहां पे मैंने सेव कर लिया। अब यहां पे देखिएगा मैंने दूसरे टैब में एक जो है ये वेबसाइट ओपन की हुई है, इस वेबसाइट का नाम है rapidtags.io। इसका लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ये क्यों मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि ये पूरे ही प्रोसेस का सबसे एक लेंथी प्रोसीजर है जो बहुत इजीली परफॉर्म किया जा सकता है इस वेबसाइट से। अब क्या है यहां पे दिखेगा, यूज टूल फॉर फ्री, मैंने इसको क्लिक कर दिया। ये वाले विंडो जो है हम इसको फ्री में यूज करेंगे। यहां पे दिखेगा इस जगह पे एंटर योर नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो टाइटल टू जनरेट टैग्स,
यहाँ पे हम जो कंट्रोल सी था उसको कंट्रोल वी कर देंगे, यहाँ पे मैंने टाइटल अपने वीडियो का डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ। सो दोस्तों ये वाली जो वेबसाइट है इनका टाइप यूट्यूब से है, जिसके अंदर वो हमें टैग जनरेट करके दे देते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे टैग जनरेट हो गए सारे। अब इस यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी किया, वापस मैं उस टैग पे आया जहां पे ये हमने वीडियो अपनी पोस्ट की थी। वीडियो के नीचे अगर हम स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहां पर देखिएगा टैग्स का ऑप्शन आ रहा है, इधर कंट्रोल वी कर देंगे। अब ये कुछ जो इसमें ज्यादा एग्जैक्टली उन्होंने 500 किया, तो मैं जो पुराने इंसर्टेड टैग्स हैं जो प्री इंसर्टेड थे उनको मैं यहां से हटा देता हूं एक बार के लिए। सो ये कुछ मैंने हटा दिया, तो देखिए 497 टैग्स जो हमने डाल ली है 500 जीरो पे। सो दिस इज वेरी गुड, ये वाला चीज बहुत ही क्विकली हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप सेव कर दीजिए। सेव कर देने के बाद अगर आपने थंबनेल बना रखा है अपनी वीडियो का तो वीडियो का थंबनेल यहां से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड थंबनेल, थंबनेल अपलोड कर देंगे। थंबनेल जो है अपलोड करने के बाद आपकी ये वीडियो आपके पास रेडी है, उसको आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं यहां से प्ले करके। उसमें कोई खामी आ रही है ऐसी कोई चीज है तो उसको आप रिजोल्व भी कर सकते हैं। सो दिस इज अमेजिंग थिंग। उसके बाद जब भी आपको अपनी वीडियो पब्लिक करनी है, लिस्टेड करनी है, तो यहां पे ऑप्शन आ रही है विजिबिलिटी की, इस पर क्लिक कर दीजिए। पब्लिक करेंगे तो ये वाली वीडियो इंस्टेंटली पब्लिक हो जाएगी। और इसके अंदर एक और ऑप्शन आती है, यहाँ पे देखिए सेट एज प्रीमियर और एक शेड्यूल्ड, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप वीडियो आने वाले टाइम में देख सकते हैं। अदरवाइज इसी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसका लिंक। और लास्ट चीज दोस्तों, जो हमने अपलोड करते समय दो पेजेस स्किप किए थे वो ये थे, एंड स्क्रीन के, एंड स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी वीडियो जब खत्म होने लगती है तो लास्ट के 20 सेकंड के लिए आप कुछ ऐसे लगा सकते हैं एलिमेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए। तो जब लास्ट की वीडियो खत्म होने लगेगी आप देखिएगा, तो उस टाइम पे ये जो दिखेगा यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रही होंगी, एक वीडियो मोस्ट रिसेंट और बेस्ट फॉर व्यूअर्स मैंने सिलेक्ट किया हुआ। तो ये जो है लास्ट जब वीडियो खत्म होने लगती है तो उसके अंदर ये जो थंबनेल्स हैं ये उस पर प्रोजेक्ट होने लगते हैं। यहाँ पे आप इसको सेव कर देंगे, तो अब ये वाला चीज सेव हो गया। और उसके बाद कार्ड्स का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। कार्ड्स में जो भी आपकी वीडियो है उसमें जो भी टैग्स आप लगाना चाहें, मतलब यहाँ पे ऊपर आई बटन जिसको हम बोलते हैं, वो आई बटन यहाँ से आप जो है ऐड कार्ड्स करके अपनी पुरानी कोई भी वीडियो, मान लीजिए ये वाली लगा के देख लेते हैं, हाउ टू क्रिएट स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, ये हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये इस तरह से जो है आई बटन के ऊपर आप यहाँ पे टैग लगा सकते हैं। सो दिस इज इस तरह से जो है, और ये इसमें सेव का ऑप्शन नहीं आता, सीधे यहाँ पे आप टैब क्लोज कर दीजिए और ये चीज हो जाती है। सो दोस्तों दिस इज हाउ अ वीडियो शुड बी पोस्टेड, और अनलिस्टेड करके पोस्ट करनी चाहिए वो ज्यादा बेहतर रहती है, और जब भी शेड्यूल कर लेंगे तो शेड्यूल के हिसाब से उतरेगी। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज अमित कश्यप साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।